हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल शुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज है 17 अप्रैल 2023, आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किसने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है? और इसका सही आंसर है नंदिनी गुप्ता, यानी नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 का खिताब जीते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नंदिनी गुप्ता। अब स्टैटिक जीके, मिस इंडिया 2022 के विजेता कौन है? सिनी सेट्टी। मिस वर्ल्ड 2022 के विजेता कौन है? कैरोलिना बिलावास्का। मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता कौन है? आर बोनी गैब्रियल। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कितने भारतीय ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीते हैं? और इसका सही आंसर होगा 3। और कितने भारतीय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीते हैं? और इसका आंसर होगा 6। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। यानी भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। कौन सा शहर? बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में रेलवे परियोजनाओं और मिथेनॉल संयंत्रों का शुभारंभ किसने किया है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में रेलवे परियोजनाओं और मिथेनॉल संयंत्रों का शुभारंभ किए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे नामित किया गया है? और इसका सही आंसर है शाहरुख खान और एसएस राजामौली, यानी इसका सही आंसर होगा सी, दोनों शाहरुख खान और एसएस राजामौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों शाहरुख खान और एसएस राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाई गई है? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली, यानी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त सहयोग का 12वां सत्र का आयोजन कहां किया गया? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली, यानी आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त सहयोग का 12वां सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को राज्यों से पलायन से रोकने के लिए हिम प्रभारी योजना को शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य सरकार ने युवाओं को राज्यों से पलायन से रोकने के लिए हिम प्रभारी योजना को शुरू किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ने 2 साल बाद किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू किया है? और इसका सही आंसर है बहरीन, यानी कतर ने 2 साल बाद बहरीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू किया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बहरीन। बहरीन का राजधानी कहाँ है? मनामा, और बहरीन का करेंसी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्यों के सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश को सरबती गेहूं का जीआई टैग मिला है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 15 अप्रैल को, यानी 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ज्योतिषी और लेखक का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? और इसका सही आंसर है प्रेम कुमार शर्मा, यानी प्रेम कुमार शर्मा का नाम
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रेम कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है, और इसका सही आंसर है 16 अप्रैल को, यानी 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 16 अप्रैल। अब करंट अफेयर्स रिवीजन, चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया है, और इसका सही आंसर है आम आदमी पार्टी। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं, सुलिन भागवत। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NCPI के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है, विशाल आनंद कवंती। किस राज्यों के गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टाइगर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या 2022 में कितनी है, 3167। किसने ऑर्लियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, प्रियांशु राजावत। किस देश ने ChatGPT पर प्रतिबंध लगाया है, इटली। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, किरण नादर। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान हासिल किया है, कर्नाटक। फोर्ब्स की नई लिस्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, मुकेश अंबानी। किसने बैडमिंटन मैड्रिड स्पेन मास्टर चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीते हैं, केंट निशिमोतो। नेक्स्ट, किसने बैडमिंटन के मैड्रिड स्पेन मास्टर चैंपियनशिप 2023 महिला एकल का खिताब जीते हैं, ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजू। मियामी ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव। मियामी ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब विजेता कौन है, पेत्रा क्विटोवा। अब प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, जनवरी 1915 में। एलोरा की गुफाओं के चित्र निम्न संस्कृतियों में से किसे दर्शाता है, बुद्ध धर्म। भारत में स्कूल में मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। एक सींग वाले गेंडे किस राज्य में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और असम में। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था, 1893 में। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।